तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की कुछ ताजा तरीन खबरें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म की खबर आई है। आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती शादी की और 7 दिन बंधक बनाकर रखा। उसने लड़की के साथ बार बार दुष्कर्म किया, एक कोरे कागज पर साइन लिए और फिर उसे धमकाकर छोड़ दिया। युवती बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन इसके बाद परिजनों को सच्चाई का पता चला। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक महिला के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना थाजीपुरा के पास कबीर कॉलोनी की है। जानकारी के मुताबिक 14 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ कबीर कॉलोनी में रहती थी। माता पिता यहां किराए का कमरा लेकर रहते थे। उसने पुलिस को बताया कि घटना कुछ दिनों पहले हुई है। उस दिन वह बाजार से लौट रही थी। पड़ोसी रोहित और योगेश उसे अकेले पास आए और साथ चलने को कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की और बाइक पर बिठाकर उसको लेके चले गए। उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बार बार धमकाया गया। इस कमरे में लड़की को 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद योगेश उसे अपने घर ले गया और जबरदस्ती शादी कर संबंध बनाए।